ऑक्सीजन और दवाओं की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने आज कई बड़े फैसले किए। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें मेडिकल ऑक्सीजन से कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस हटा दिया गया। ऑक्सीजन देने में इस्तेमाल उपकरणों से भी कस्टम ड्यूटी हटाई गई। कोविड 19 वैक्सीन के इम्पोर्ट से भी कस्टम ड्यूटी तत्काल हटाई गई। सभी फैसले फिलहाल 3 महीने के लिए लिए गए हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि देश में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट दोबारा शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ना नेतृत्व में पीएम केयर फंडे पण देशभर में आवा सैकड़ों प्लांट लगावानी शुरुआत करी छे। इस बीच देश में ऑक्सीजन सप्लाई ने आज और रफ्तार पकड़ी। सिंगापुर से ऑक्सीजन के 4 क्रायोजेनिक टैंकर लेकर वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर पश्चिम बंगाल के पनागर एयरबेस पहुंचा। यहां से ऑक्सीजन देश भर में पहुंचाई जाएगी। कोरोना टेस्टिंग के लिए जरूरी उपकरण लेकर वायुसेना के शिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर जम्मू से लद्दाख के लेह पहुंचे। नासिक, नागपुर, लखनऊ और वाराणसी समेत कई हिस्सों में रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस के टैंकर ग्रीन कॉरिडोर से पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के ग्रामीणों से कोरोना को गांवों तक पहुंचने से रोकने और इसके लिए वैक्सीनेशन को 100% तक सफल बनाने की अपील की। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में 1 मई से 18 से 45 की उम्र के लोगों को प्राइवेट सेंटरों पर वैक्सीन लगेगी। इसके लिए कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा। कोविशील्ड की कीमत सरकारी केंद्रों पर 400 और निजी केंद्रों पर 600 रुपए रखी गई है। कीमतों पर आज सीरम इंस्टीट्यूट ने सफाई दी। कोविड वैक्सीन की शुरुआती कीमत वैश्विक स्तर पर कम थी। कोविशील्ड का सीमित हिस्सा 600 प्रति डोज पर बेचा जाएगा। वैक्सीन की कीमत अभी भी अन्य चिकित्सा उपचारों से कम है। 18 की उम्र तक सभी को मुफ्त वैक्सीन देने को लेकर विपक्षी दलों के कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुके हैं। अलग अलग कीमतों का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। केंद्र ने दिल्ली के ऑक्सीजन की कम सप्लाई करने के आरोपों को खारिज किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली को कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन दी गई है। भारत सरकार ने जो देश में प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, दिल्ली को भी जितना कोटा उन्होंने शायद मांगा होगा उससे ज्यादा कोटा उनको अलॉट किया जा चुका है और उसको औपचारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को थैंक यू तक बोला है। ऑक्सीजन के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, जिसने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाली हम उसे फांसी पर लटका देंगे। जिसे कोरोना की दूसरी लहर कहा जा रहा है, ये कोरोना की सुनामी है। हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कम सप्लाई के आरोप पर दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि आपकी समस्या ये है कि आपको सब दरवाजे पर चाहिए, ऐसे नहीं होता। केंद्र ने ऑक्सीजन एलोकेट की, आपने टैंकर्स का इंतजाम क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म नहीं है, आप उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी पूछा कि मई में कोरोना जब पीक पर होगा तो आपकी क्या तैयारी है? दिल्ली के पास अगर टैंकर्स नहीं थे तो आपने इस पर क्या किया? हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को तमाम तैयारियों का ब्यौरा 26 अप्रैल तक पेश करने को कहा है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का सिलसिला अब भी जारी है। देश में आज फिर 3.5 लाख से अधिक केस आए। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 3,46,786 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2,624 मरीजों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 2,19,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। नए आंकड़ों के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,66,10,481 हो गई है। अब तक संक्रमण से देश में 1,89,544 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल एक्टिव केस फिलहाल 25,52,940 है, जबकि 1,38,67,997 लोग स्वस्थ हुए हैं। तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक सभी मॉल, सिनेमाघर, क्लब और बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति, अंतिम संस्कार में 25 लोगों को अनुमति। नई गाइडलाइंस 26 अप्रैल से लागू होंगी। केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 दिन तक कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं।
वहीं उत्तराखंड में भी 28 अप्रैल तक सभी सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर और मुंबई घर पर सीबीआई ने आज तलाशी ली। सीबीआई ने इस दौरान नागपुर में देशमुख के घर से लैपटॉप समेत कुछ दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए। सीबीआई की टीम सर्च करने आई थी, उन्होंने जो भी कानून सर्च किया उसको हमने पूरा कोऑपरेट किया। 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने 21 अप्रैल को एफआईआर दर्ज की थी। एनसीपी ने सीबीआई की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करार दिया है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।